उत्तराखंड में होमगार्ड महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। इसमें 3800 आवेदन प्राप्त किए गए। वहीं सुनील डगवाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने होमगार्ड महिलाओं की तैनाती को लेकर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए, जिसको लेकर महिलाओं में खुशी का माहौल है। वहीं होमगार्ड में नियुक्त हुई दीपिका रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अब सभी होमगार्ड अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उत्तरकाशी से विनीत कसवाल की रिपोर्ट। आज के दिन हमारे लिए एक नई वो आई नियुक्ति आई कि महिला होमगार्ड की भर्ती आ रही है, और हम तो आपने सर के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बेचारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बेचारे नियुक्ति लाई हमारे लिए। पहले मैं अपने जिला कमांडेंट का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने निष्पक्ष भाव से जो है हमारा सिलेक्शन किया है। मुझे उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट और अपने फिजिकल को देख के तो उम्मीद थी, और जब हमारी लिस्ट आई तो मुझे बड़ी खुशी हुई और लगा कि हाँ कि मतलब निष्पक्ष भाव से हुआ है, क्योंकि मेरे साथ जितने और भी हैं सब लोगों की मतलब ईमानदारी से ही सिलेक्शन हुआ। प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से घोषणा करवाई गई, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसको मतलब बढ़ चढ़ के तुरंत इसका वो करा कि नहीं नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने प्रत्येक जनपद में विज्ञप्ति जारी की, जिसके क्रम में जनपद उत्तरकाशी में भी जो है विज्ञप्ति जारी करी 31 पदों के लिए। तो इसमें 3008 आवेदन प्राप्त हुए हमें, जिसमें से फिजिकल में 1167 महिलाएं सेलेक्ट हुई। तो उन 1167 में जो टॉप महिलाएं थी 31, उनकी मेरिट बनी, जिसमें हमारे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारी 10 महिलाएं प्राप्त हुई, एमए स्नातकोत्तर 7 महिलाएं, ग्रेजुएट 19 महिलाएं, बीपीएड धारी 1 महिला और बीएड धारी 1 महिला, और एक फार्मासिस्ट भी प्राप्त हुई।